राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लग गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। दरअसल राजस्थान के अलवर जिले में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर में जूते पहनकर घुसने और मूर्तियों को कटर मशीन से काटने से बवाल बढ़ गया है। हिंदुओं की आस्था का जिस तरह से अपमान किया गया है, उससे हिंदू संगठन नाराज हो गए हैं। इसके विरोध में नगरपालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ विधायक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी गई है। उधर मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीजेपी ने राज्य की गहलोत सरकार पर करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता और बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना शिव मंदिर, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। इसके बाद एक और ट्वीट में मालवीय ने कहा कि 18 अप्रैल को राजस्थान के राजगढ़ कस्बे में बिना नोटिस के प्रशासन ने 85 हिंदुओं के पक्के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। उधर राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। राजगढ़ नगरीय निकाय बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी का है। उन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव लाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिरों और घरों को गिराया है। वहीं मंदिर गिराए जाने से बवाल बढ़ता जा रहा है। कटघरे में राज्य की गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी है। मस्जिद पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस मंदिर के मामले पर मौन धारण कर ली है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।